कि जब तक रामविलास यहाँ है तब तक महेंद्रगढ़ जिले का नाम कोई बदल नहीं सकता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। जिस प्रकार आज आप भांडुर गांव में आए हो, इस गांव को आप अपना गांव मानते हो, आज आपको इस गांव की पावन धरा पर आकर कैसा महसूस हुआ जी? मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मुझे राजवीर सिंह मिले थे और उन्होंने कहा कि मेरे जुम्मे आपने कमरा लगाया था उसका उद्घाटन, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा। ये गांव है मेरा और पिछले शुरुआत से हम यहाँ अपना, मेरी ये कर्म भूमि भी है, जन्म भूमि भी है और इस विद्यालय को अपग्रेड करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। और आज भी मेरी पार्टी की सरकार है जो गांव की तरफ से जो प्रस्ताव मुझे दिया है इसको हम पूरा करें। जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों की बात की जाए और लोगों को भी ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और विशेषकर हमारा ये है जो आज की युवा पीढ़ी है, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज अपना सौभाग्य है। मैं एक समय में अकेला MLA था पार्टी का और आज हमारी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है और भी प्रांतों में है। तो युवा लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जब DHT 48 इकहत्तर पर घूमता था, राजवीर की दुकान पर वो मोटरसाइकिल हमारी ठहरती थी और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को 1980 में हम यहाँ लेके आए थे, तब कुछ लोग हमको ये भी कहते थे, बाबा क्यों बावड़ो हो रहे सा, तेरी यहाँ पार्टी की सरकार आवे ना और आवे ना, तू क्यों अपनी जवानी खपा रहा है। तो वो दिन मुझे याद है, परंतु ये बड़ा उपजाऊ इलाका है। और नौजवानों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए, आगे बढ़ने के लिए शरीर में भी दम चाहिए और आत्मा में बल चाहिए, वो शिक्षा के क्षेत्र से मिलता है। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं है, नौजवान बच्चों को आशीर्वाद है और बुजुर्गों को प्रणाम कर। सर, जिस प्रकार से आप भांडौर को अपना गांव मानते हो, तो महेंद्रगढ़ आपका प्रदेश है और काफी समय से बातें चल रही है कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर नारनौल कर दिया जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं कर सकता। महेंद्रगढ़ जिले का नाम महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ रहेगा। ये जो निराधार बातें हैं, कुछ लोग चलाते हैं इनको, जैसे पाली गांव में बाबा जयराम दास के यहाँ थाना ले जाया गया था, कुछ लोग कह रहे थे, मैंने कहा बाबा जयराम, मेरे पिता का नाम जयराम है, मेरे देवता का नाम जयराम है, और वो थाना आज महेंद्रगढ़ में आकर के वहाँ से सब ताम तम्बू उठा के। इसी तरह से महेंद्रगढ़ जिले का सबसे पुराना जिला है महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ ही रहेगा। सर, जिस प्रकार से सोशल मीडिया की बात की जाए, ये जिला मुख्य जिला नाम बदलने की बातचीत चल रही है, क्या ये अफवाह है? ये अफवाह है सर, एक दो तीन बार लेटर भी आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें रेवेन्यू मिनिस्टर श्री दुष्यंत कुमार हैं और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों से मेरी बात हुई है और उसके आधार पर मैं आज अपने गांव भांडौर में आप सब दोनों पत्रकारों को ये आश्वस्त कर सकता हूं कि महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिला ही रहेगा। सर, आप बता रहे हो डिप्टी CM साहब ने पत्र भेजा था अभी 29 अक्टूबर को जिला बदलने के नाम के लिए सभी सरपंचों के पास, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? कितनी सच्चाई है? मुझे डिटेल में पता नहीं है क्योंकि मैं अब कैबिनेट में नहीं हूँ, कुछ कागजी कार्रवाई होती है, पर मैं आपको एक बहुत BJP का जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने गांव में ये कह सकता हूँ कि जब तक रामविलास यहाँ है तब तक महेंद्रगढ़ जिले का नाम कोई बदल नहीं सकता। सर, एक छोटी सी बात सामने आई थी कि 29 तारीख को उन्होंने का वो लेटर आया था और 6 तारीख को जो विधानसभा हुई थी उसमें उन्होंने मना कर दिया कि मैंने नहीं भेजा, लेकिन सभी सरपंचों के पास वो लेटर आया हुआ है। देखो ना, मैंने एक बात कही है कि मुझे फाइल का जानकारी नहीं है क्योंकि मैं कैबिनेट में नहीं हूँ। मैं तो अपनी एक बात कह सकता हूँ कि ये सरकार श्री मनोहर लाल जी का नाम का प्रस्ताव 26 अक्टूबर 2014 को मैंने रखा था, और मुख्यमंत्री जी से मेरी जो बातचीत हुई
उसके आधार पर मैं ये कहता हूँ महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिला ही रहेगा। धन्यवाद जी।